यारेवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमतसे 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम जानेंगे नवरात्रि के पांचवें दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिषी उपाय के बारे में। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता जी होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। माता का रंग पूर्णतः सफ़ेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजित हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में प्रतिदिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि का दिन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विशेष महत्व रखता है। आज इस कड़ी में हम जानेंगे स्कंद माता के निमित्त कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय, जिन्हें करने से जीवन में चल रही सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सर्व बाधा निवारण मंत्र के बारे में। ये मंत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी उपाय बताएंगे उसमें इसी मंत्र का जप करना जरूरी है। मंत्र इस प्रकार से है, सर्व बाधा मिन मोक्तो धन धान्य सुता विनता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो ये वो मंत्र है जो हर उपाय में आगे काम आएगा। तो सबसे पहला उपाय जानते हैं, ये उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आज यदि नवरात्रि के पांचवें दिन 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। आहुति देने से पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जप करें। और अब जानते हैं दूसरा उपाय, ये संतान प्राप्त करने के लिए है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति देने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ें। और आप जानते हैं अगला उपाय, ये उपाय कारोबार के लिए है। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो आज आप लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाएं। अगर अमलतास नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं, फिर माँ दुर्गा को आहुति दें। आज ऐसा करने से आपका बिजनेस खूब फलेगा। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 1 माला जप करें। और अगला उपाय हर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए है। अगर आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े लें, इसमें नारियल की गिरी शहद और मिश्री मिला लें और इससे हवन करें। आज ऐसा करने से आपको सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। बता दें कि आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 5 माला जप करें। और अगला उपाय है संपत्ति से संबंधी जुड़ी मामलों को दूर करने के लिए। संपत्ति संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आज आप लौंग और कपूर में गुड़ और खीर मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से आपकी संपत्ति संबंधी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 2 माला जप करें। और अगला उपाय है सभी तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए। नवरात्रि के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखें। मिट्टी पर दूध दही घी अक्षत रोली चढ़ाएं और उसके आगे दिया जलाएं। अगले दिन मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें।
ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। मिट्टी की पूजा करने के बाद बाधा निवारण मंत्र की एक माला जप करें। तो ये थे दोस्तों नवरात्रि के पांचवें दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिषी उपाय। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। और आप जानते हैं आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के पांचवें दिन आप ये कार्य जरूर करें। आज किसी भी देवी मंदिर में जाकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। इसके बाद माँ के 32 नामों के नामावली का 32 बार पाठ करें। और माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, ऐसे में पूजा के दौरान सफ़ेद रंग पहनने से माँ प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद देंगी। तो माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पूजा के दौरान आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और इसके साथ ही इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता को केले का भोग बेहद पसंद है, ऐसे में आज माता रानी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए माँ को केले अर्पित करें। इसके साथ ही माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो नवरात्रि के पांचवें दिन माँ को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये तीन सरल उपाय सभी को करने चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर देवी भगवती माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं। दोस्तों हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों इसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये ऐसी एक स्वास्थ्य समस्या है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस समस्या को समझेंगे और अपना साथ हमें जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता।